मित्रों नमस्कार, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोअर पीसीएस का एक दूसरा डेमो देने जा रहे हैं। पहले डेमो में हमने बताया था कि हमें ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। अब दूसरा डेमो में होगा कि लोअर पीसीएस 2019 में ज्योग्राफी में एक अटलांटिक महासागर, जैसे हमने बताया था कि जलमंडल में हमें धाराओं को पढ़ना होगा, महासागरीय जो धाराएँ हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपको अटलांटिक महासागर की धारा का। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके सामने समस्या होती है कि इन धाराओं को हम कैसे याद करें, इसमें कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, कौन अटलांटिक महासागर की धारा है, कौन सी हिंद महासागर की धारा है, कौन सी प्रशांत महासागर की धारा है। तो ये मित्रों याद करने वाला जो झंझट है वो आज एकदम ख़त्म कर देते हैं। अटलांटिक महासागर की धाराओं को समझिएगा, हाँ उसकी लोकेशन आप ध्यान में रखिएगा। यदि आप सही लोकेशन उसको ध्यान में रखेंगे तो हमेशा ये भूल जाएंगे कि इनसे क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। हमेशा इनके क्वेश्चन आप कंसेप्ट आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा आप एकदम सही तरीके से प्रॉपरली तरीके से इसको हल कर पाएंगे। तो जैसा हम बता रहे हैं आपको अटलांटिक महासागर की धाराओं का, आप देख रहे होंगे हमने एक मैप बना दिया है। मैप के द्वारा हमने अलग अलग कलर से अलग अलग धाराओं को दर्शाया है। गर्म धाराओं को हमने ब्लू से और ठंडी धाराओं को हमने ग्रीन से दर्शाया है, हरे रंग से दर्शाया है। हम सबसे पहले बता दें कि अटलांटिक महासागर के चारों तरफ की क्या स्थिति है, उसकी भौगोलिक स्थिति को बताएंगे, फिर कौन कौन सी धाराएं चलती हैं, धाराओं के चलने का कारण क्या है, और कौन सी धारा कहां पर चल रही है, कौन सी धारा ठंडी है और कौन सी धारा गर्म है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला भाग दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर के पूर्व में, ये पूर्व होता है तो पूर्व में अफ्रीका है और यूरोप है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। अटलांटिक महासागर के दक्षिण में पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। तो कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अटलांटिक महासागर में के पूर्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो आप पूर्व में अफ्रीका और यूरोप हैं, और यदि यह पूछ लिया जाए कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कौन से महाद्वीप हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों पश्चिम में स्थित हैं। इन चारों महाद्वीपों के बीच में अटलांटिक महासागर स्थित है। इसका उत्तर भाग ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अब हम चलते हैं इन धाराओं पर। ठीक, देखिएगा हमारी पृथ्वी गोलाकार है। गोलाकार पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो ठोस भाग पृथ्वी का तो तेजी से घूम जाता है, लेकिन जो जल वाला भाग है वह ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता, जिसके कारण जब गोला पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है तो जल भाग पूर्व से पश्चिम की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए जब ये भाग, यदि हम इसको ग्लोब पर देखें, तो ये जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा तो जल का जो भाग है वो इधर की ओर आना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरी पहला चीज कि ये जलधारा जो है ये भूमध्य रेखा पर चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो जो जल आएगा वह पूर्व से पश्चिम की ओर आएगा। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर जल जो आएगा वो पूर्व से पश्चिम की ओर आएगा। ठीक, क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए जल जो आएगा वो पूर्व से पश्चिम की ओर आएगा। दूसरी चीज, पृथ्वी पर दो चीजें और काम करती हैं। जब पृथ्वी अपने घूर्णन पर तेजी से घूमती है तो घूमने के कारण एक इफेक्ट काम करता है जिसे हम कोरियालिस इफेक्ट कहते हैं। कोरियालिस इफेक्ट के कारण जो है ये जो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती हैं। एक कोरियालिस इफेक्ट के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल काम करता है जिसके कारण ये जो धाराएं हैं, ये जो तरंगी उत्पन्न होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस कारण जब ये धारा पूर्व से पश्चिम की ओर आती है और किसी प्रवाह में टकराती है तो जैसे ही स्थल भाग से यानी दक्षिण अमेरिका से टकराती है तो टकराने के बाद वह दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यदि वह उत्तरी गोलार्ध में है तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो वह बाईं ओर यानी नीचे की ओर चली जाती है। दूसरा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि चूंकि भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्यातप प्राप्त होता है, यानी पूरे वर्ष में वहाँ 100% इंसोलेशन प्राप्त होता है, तापमान अधिक प्राप्त होता है, जिसके कारण इस एरिया का यानी भूमध्य रेखा के आसपास का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है। दूसरा समझिएगा कंसेप्ट, जब
भूमध्य रेखा के आसपास का जो भाग गर्म हो जाता है, तो जो आप समझते होंगे कंसेप्ट आप समझे होंगे विज्ञान में कि जो भाग गर्म होता है वो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की ओर उठ जाता है। जैसे गर्म हवा होती है तो गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर की ओर उठ जाती है। इसी तरीके से जो जल वाला भाग है तो जब गर्म हो जाता है वह, तो गर्म होकर वह थोड़ा ऊपर की ओर हो जाता है, हल्का हो जाता है, हल्का होने के कारण वह ऊपर हो जाता है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो यही जल का भाग पूरब से पश्चिम की ओर आता हुआ प्रतीत होता है, और इधर से पूरब का भाग आकर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से टकराता है। टकराने के बाद यह उत्तरी गोलार्ध में पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा यह उत्तरी गोलार्ध में इधर पहुंचता है, और ये जो हमने द्वीप बनाए हैं ये कैरेबियन सागर के जो द्वीप हैं उसको हमने बनाए हैं, तो इसकी एक शाखा कैरेबियन द्वीपों के पश्चिम से गुजरती है और एक शाखा इसके पूरब से गुजरती है। तो जो शाखा कैरेबियन धारा के रूप में आगे बढ़ती है, कैरेबियन सागर से आगे बढ़ती है, उसे हम कैरेबियन धारा कहते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये यही गर्म जल जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, तो कैरेबियन धारा में पहुँचेगा यही जल, तो क्योंकि गर्म ही रहेगा ये, तो एक ऐसी धारा हो जाएगी आपकी गर्म धारा, क्योंकि यही गर्म जल आगे की ओर जा रहा है और यहाँ पर कैरेबियन सागर है और कैरेबियन सागर में इसे कैरेबियन धारा के नाम से जाना जाता है, तो कैरेबियन धारा आपकी कैसी धारा हो जाएगी, गर्म धारा। इसकी एक शाखा इसके पूरब से गुजरती है जिसे एंटिलीज के नाम से जाना जाता है, तो एंटिलीज भी यही गर्म जल ऊपर की ओर जा रहा है, तो एंटिलीज धारा कैसी धारा हो गई, गर्म धारा, वेरी गुड। इसके बाद दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं, ये फ्लोरिडा का तट है, यहाँ पर अमेरिका का फ्लोरिडा का तट है, फ्लोरिडा के तट पर एंटिलीज धारा और कैरेबियन धारा आपस में मिल जाती है जिसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। जब दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं तो ये फ्लोरिडा धारा के नाम से आगे बहती है। अब आप खुद बताइए कि यह धारा कैसी धारा होगी, क्योंकि यही गर्म जल आगे की ओर जा रहा है इसलिए धारा कैसी धारा हो जाएगी, गर्म धारा। जब जैसे ही यह आगे की ओर बढ़ती है तब इसका प्रवाह, इसकी गति वो तेज हो जाती है, धारा से थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है इसकी, जिसके कारण इसका नाम पड़ जाता है गल्फ स्ट्रीम। यही गर्म जल आगे बढ़ता है तो इसे गल्फ स्ट्रीम, जो उसकी गति तेज हो जाती है तो उसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। यानी गल्फ स्ट्रीम भी कैसी धारा होगी, गर्म धारा होगी। यही गर्म जल आगे की ओर बढ़ता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह फिर पश्चिम की ओर पूरब की ओर मुड़ना शुरू करता है, पृथ्वी में घूर्णन के कारण यह पूरब की ओर मुड़ना शुरू करता है, और देखिएगा यहाँ से एकदम पछुआ हो जाता है, एकदम पश्चिम की ओर से मुड़ जाकर पूरब की ओर जाता है, आगे पूरब की ओर मुड़ता है, तब इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। यही गल्फ स्ट्रीम की धारा आगे चलकर क्या कहलाती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कैसा है, तो आपको कैसा होगा, कैसी धारा होगी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की, गर्म धारा होगी। यही गल्फ स्ट्रीम की धारा की एक शाखा ऊपर की ओर चली जाती है आर्कटिक महासागर में, तो आर्कटिक महासागर में प्रवेश के पहले वह गर्म रहता है, और जैसे ही आर्कटिक महासागर में प्रवेश करता है उस धारा का नाम बदल जाता है, वो नॉर्वेजियन धारा हो जाती है। तब यह धारा कैसी धारा हो जाती है, ठंडी, क्योंकि आर्कटिक महासागर का जल कैसा है, ठंडा है, तो इसलिए उसे नॉर्वेजियन धारा कैसी धारा हो जाएगी आपकी, ठंडी धारा। लेकिन गल्फ स्ट्रीम की धारा पृथ्वी के विक्षेपण के कारण यह मुड़कर यूरोप के तटों पर पहुंचती है, तो जब यूरोप के तट उस समय ठंडी के दिनों में यूरोप के तट जमे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल यहाँ पहुंचता है उसके जो तट होते हैं वो उनका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ जाता है तो यूरोप के जितने भी बंदरगाह हैं वो सारे बंदरगाह क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जो जमे हुए हो रहते हैं वो खुल जाते हैं। इसी कारण गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूरोप का गर्म कंबल, किसे, गल्फ स्ट्रीम धारा को। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम को या किस धारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही गर्म जल जब यहाँ पहुँचता है और यहाँ टेम्परेचर 0 से नीचे पहुँच जाता है, तो 0 से नीचे जमने के कारण, पहुंचने के कारण यहाँ का तट जो होता है जम जाता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम का जब गर्म जल यहाँ पहुँचता है तो उसके तट को एकदम खोल देता है, यानी 0 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण ये टेम्परेचर बढ़ने से ये खुल जाते हैं, इसीलिए यूरोप का इसे गर्म कंबल कहा जाता है। यही विक्षेपण के कारण जब धीरे धीरे जल नीचे की ओर आता है तब इसका तापमान कम होने लगता है, तापमान कम होने के कारण यहाँ एक किनारी द्वीप है, यहाँ पर किनारी द्वीप है, तो यहाँ जब टेम्परेचर पहुँचता है तब इसका तापमान कम हो जाता है, और तापमान जब कम हो जाता है तो किनारी धारा, इसी द्वीप के नाम पर इस धारा का नाम किनारी धारा पड़ा, तो किनारी धारा कैसी धारा हो जाएगी,
क्योंकि टेम्परेचर यहाँ आकर कम हो जाता है, इधर से नीचे क्यों रहेगा, टेम्परेचर यहाँ कम हो जाता है, तो किनारी धारा कैसी धारा हो जाएगी, ठंडी धारा। लेकिन जैसे जैसे ये धारा जल नीचे की ओर आता जाएगा, टेम्परेचर पुनः बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास पहुंचने लगता है, तब इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो यह गर्म पानी के रूप में या गर्म जल के रूप में है आगे बढ़ता है, तुरंत इस उत्तरी विषुवत रेखीय धारा के रूप में आगे आ जाता है। यही उत्तरी विषुवत रेखीय धारा फिर पुनः पहुँचती है, इस तरीके से एक साइकिल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, जिसके कारण यह धाराएँ आपस में चलती रहती हैं। ये तो समझ में आया होगा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की हमने चर्चा कर दी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक सागर का जल देख रहे हैं, ये लैब्राडोर सागर है, लैब्राडोर सागर से होकर ये अटलांटिक महासागर में आता है, तो ये लैब्राडोर सागर में होने के कारण इस धारा का नाम ही है लैब्राडोर धारा, चूँकि यह आर्कटिक महासागर यानी ध्रुवों के पास से आता है, आर्कटिक महासागर से आने के कारण इसका टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण यह कैसी धारा होगी, ठंडी धारा होगी। अब आपको बता दें, यहाँ पर जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा और लैब्राडोर की ठंडी धारा मिल रही है, ये यहाँ पर, तो दोनों धाराओं की, एक गर्म धारा और एक जल ठंडी धारा, जब दो गर्म यानी दो विपरीत स्वभाव की धाराएं मिलती हैं, एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा, तब सबसे ज़्यादा घना कोहरा बनता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि जब अलग अलग स्वभाव की दो धाराएं मिलती हैं, यानी एक गर्म धारा मिलती है और एक ठंडी धारा मिलती है, तो प्लैंकटन जो मछलियों का प्रिय भोजन है, प्लैंकटन का तेजी से विकास होता है, तो जहां दो विपरीत स्वभाव की धाराएं मिलेंगी वहां प्लैंकटन बहुत होगा, और जहां प्लैंकटन बहुत होगा वहां मछलियां बहुत होंगी, और जहां मछलियां बहुत होंगी वहां मछली मारने का जो व्यवसायिक काम भी बहुत तेज होगा। इसीलिए यहां पर मछली मारने के बहुत सारे बैंक बने हुए हैं, ग्रैंड बैंक, जॉर्जेज बैंक, ये सारे विशेष रूप से बैंक बने हुए हैं। ठीक, तो लैब्राडोर धारा कैसी धारा हो जाएगी आपकी, ठंडी धारा। अब हम नीचे चलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं पर, यही गर्म जल विषुवत रेखा का दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के रूप में देख रहे हैं पश्चिम की ओर आ रहा है, फिर जैसे ही वह बाईं ओर मुड़ रहा है, अपनी बाईं ओर मुड़ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो ब्राजील के तट पर इसे कौन सी धारा के नाम से, ब्राजील की धारा के नाम से जाना जा रहा है, तो ब्राजील की धारा कैसी धारा होगी, क्योंकि यही गर्म जल आगे आकर ब्राजील के तट पर ब्राजील धारा के नाम से जाना जा रहा है, तो कैसी धारा हो जाएगी, ब्राजील की धारा, गर्म धारा। लेकिन जैसे जैसे वह ध्रुवों की ओर पहुंच रही है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचे अक्षांशों में पहुंच रही है, टेम्परेचर इसका कम होता जाता है, और यहाँ पर एक द्वीप है फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप के पास इसका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वहाँ के आसपास के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण ये धारा कैसी धारा हो जाती है, ठंडी धारा, तब इसे फॉकलैंड की धारा कहा जाता है, और फॉकलैंड की धारा टेम्परेचर कम होने के कारण फॉकलैंड की धारा कैसी धारा कही जाएगी, ठंडी धारा। ठंडी धारा के रूप में यह आगे बढ़ती है, और इसकी एक शाखा हिंद महासागर में पहुंच जाती है, और दूसरी शाखा इसकी ठंडी धारा की ही, इसकी धारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर होकर आगे बढ़ती है, और जैसे ही अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, इस धारा का नाम बेंगुला धारा कहा जाता है, कौन सी धारा, बेंगुला धारा। तो आप बताइए, बेंगुला धारा, यही ठंडा जल आगे बढ़ रहा है, तो बेंगुला की धारा कैसी धारा हो जाएगी, ठंडी धारा। यह धारा जब आगे बढ़ती है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा के पास पहुंचती है, वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ता जाता है, और पुनः यह दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के रूप में मिल जाती है, और उसमें फिर पूरब से पश्चिम की ओर इसका प्रवाह होने लगता है। अब मित्रों, एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे कम लोग जानते हैं, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के थोड़ा सा उत्तर में चल रही है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जो दक्षिणी विषुवत रेखा के दक्षिण में चल रही है, इन दोनों धाराओं के बीच में बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने एक प्रति विषुवत रेखा यानी कि एक धारा ऐसी भी बह रही है जो पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, जबकि दोनों धाराएं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा दोनों पूरब से पश्चिम की ओर आ रही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में आप इस धार देखिएगा, हमने बनाया भी है, ये एक प्रति विषुवत रेखीय धारा भी चलती है, हमने यहाँ लिखा भी है प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो ये क्वेश्चन दरअसल पूछा जा चुका है कि प्रति विषुवत रेखीय धारा क्यों चलती है, ऐसा देखा गया है कि इस एरिया में पश्चिम से पूरब की ओर एक बहुत मंद गति से धारा चलती है, एक बहुत मंद गति से यह धारा चलती है जिसे प्रति विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। तो यह प्रति विषुवत रेखीय धारा क्यों कहा जाता है, यह थोड़ा समझने की चीज है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पृथ्वी का घूर्णन होता है और पानी का प्रवाह पूरब से पश्चिम की ओर होता है, ध्यान दीजिएगा, तो अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग का पानी ऊपर की ओर इधर आता है, और जब ये सारा पानी आकर यहाँ एकत्रित हो जाता है तो यहाँ इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है,
इधर का पानी जैसे ही ऊपर पश्चिम की ओर आता है और दक्षिणी अमेरिका के तट पर पहुंचता है और अवरोध के कारण इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। आप प्रयोग करके देखिए कि पानी को हल्का सा धक्का दीजिए कि तो जहां अवरोध होगा उस अवरोध पर पानी का क्या हो जाएगा, वो तरंग ऊपर की ओर उठ जाएगी, उसका भाग जो है यह ऊपर की ओर उठ जाएगा। अब इस ऊपर वाले भाग से और इधर भाग नीचे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एक ढाल बन जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ एक ढाल बन जाता है जिसके कारण कुछ पानी वापस भी लौटने लगता है। उसी तरीके से ये जल जो है वापस लौटने लगता है, बहुत मंद गति से यह वापस लौटने लगता है। उसी धारा को हम क्या किस नाम से जानते हैं, प्रतिविस्वतीय धारा, प्रतिविस्वत रेखीय धारा के नाम से जानते हैं। यह बात समझ में आ गई, ये हमने सारी धाराओं को बता दिया। हर धारा की आप लोकेशन समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि कौन सी धारा गर्म धारा है, कौन सी धारा ठंडी धारा है। हम आपको जिस इस कंसेप्ट से समझाने की कोशिश किए हैं, हम यह भी बता रहे हैं कि कौन सी अटलांटिक महासागर की धाराएं गर्म हैं और कौन सी धाराएं ठंडी हैं। तो इस कंसेप्ट को समझ लिए होंगे तो हमें लगता है कि अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी धारा गर्म है, कौन सी धारा ठंडी है। ध्यान दीजिएगा, एक मोटा कंसेप्ट समझिएगा कि जो धारा भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएगा वो गर्म होगा और जो ध्रुवों से नीचे ऊपर की ओर आएगा, भूमध्य रेखा की ओर आएगा, वो ठंडा होगा। ये इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिएगा, केवल सबकी लोकेशन याद रखेंगे तो आपसे कभी कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं कि कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी धारा है। फिर भी हम आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी धाराएं गर्म धाराएं होती हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर की गर्म धाराओं में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, जैसा कि मैंने चर्चा किया था, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, दोनों विषुवत रेखा के पास में है, भूमध्य रेखा के पास में है, इसलिए दोनों गर्म धाराएं हैं। प्रतिविस्वत रेखीय धारा, वही धारा जो ढाल के कारण दोनों धाराओं के बीच से होकर बहुत बहती है, विषुवत रेखीय धारा, यह भी गर्म धारा होगी। एंटिलीज धारा यानी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा जो एंटिलीज धारा के नाम से जानी जाती है, दूसरी शाखा जो कैरेबियन सागर के नाम से जानी जाती है, तीसरी धारा फ्लोरिडा धारा जो फ्लोरिडा के तट पर पहुंचती है। और जब ये तीनों धाराएं मिल जाती हैं तब इनका प्रवाह तेज होता हो जाता है, और जब किसी धारा का प्रवाह तेज हो जाता है तो उसे धारा नहीं बल्कि स्ट्रीम कहा जाता है, इसीलिए इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। क्योंकि गल्फ, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, और यह मैक्सिको की खाड़ी से होकर आती है, इसी कारण इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक, इसके बाद में दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक धारा जो गर्म धारा है वो है ब्राजील धारा। तो उत्तर विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, प्रति विषुवत रेखीय धारा, एंटिलीज धारा, कैरेबियन धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा और ब्राजील धारा, ये सारी धाराएं कैसी धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं। इधर आइएगा, अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं इसको समझिएगा। लैब्राडोर धारा ठंडी धारा है, हमने बताया था उत्तरी आर्कटिक महासागर की धारा जो लैब्राडोर सागर से होकर आती है इसको लैब्राडोर धारा कहा जाता है, जिसके कारण ये ठंडी धारा है। किनारी धारा, ये किनारी द्वीप के पास में होकर आती है इसलिए इसे किनारी धारा, ठंडी धारा। फॉकलैंड की धारा, आपको जैसा बताया है कि ये दक्षिणी अमेरिका के नीचे वाले भाग में एक फॉकलैंड द्वीप है, इसी के नाम पर इसे फॉकलैंड धारा कहा जाता है। यहाँ आते आते तापमान बहुत कम हो जाता है जिसके कारण ये धारा ठंडी हो जाती है, फॉकलैंड धारा। और यही फॉकलैंड धारा जब आकर अफ्रीका के तट पर, पश्चिमी तट पर पहुँचती है, तो उसे बेंगुला धारा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही ठंडा जल ऊपर की ओर आता है इसलिए बेंगुला की धारा एक ठंडी धारा हो जाती है। तो मित्रों, हमें यकीन हो गया है कि आप जो है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे और अब कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा अटलांटिक महासागर की धाराओं को। आगे की भी वीडियो में हम सभी धाराओं को, सभी महासागर की धाराओं को अलग अलग बताने की कोशिश करेंगे, और यह आपका सदा सर्वदा के लिए कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी है। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप नंबर को ध्यान में रखिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है चंद्रा इंस्टीट्यूट का 8299310097। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर वीडियो देखिएगा और इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।